आपके ट्रायल कोर्ट में वकील लोग अगर कानून नहीं पढ़ते तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। दिस इज द पिटीशन फाइल्ड बाय द वाइफ माय लॉर्ड जी अगेंस्ट हुम डिवोर्स पिटीशन वाज फाइल्ड बाय द हस्बैंड. जी शी मूव्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 24 माय लॉर्ड फॉर पेंडेंटलाइट मेंटेनेंस जी एंड दैट हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ माय लॉर्ड विदाउट एडवर्टिंग टू थैंक्स माय एनी लॉर्ड एज टू हाउ द अमाउंट विच हैज बीन अवार्डेड बाय द कोर्ट जी, इज सफिशियंट फॉर हर टू मेंटेन और आप बता दीजिए कितना अमाउंट अवार्ड किया है माय ट्रायल लॉर्ड कोर्ट ने वी हैव क्लेम्ड रुपीज 4 लाख पर मंथ पर मंथ। अच्छा, पर मंथ क्या पद करते हैं एंड आपके पति? डी जी पुलिस ही वॉज डी उनको जी कितनी पेंशन मिलती है? 4 लाख रुपए महीना मिलती है पेंशन? माय लॉर्ड द पेंशन ही वॉज इन सर्विस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम माय लॉर्ड कितनी तनख्वाह ही मिलती है? डीजी की तनख्वाह हाईकोर्ट जज के बराबर होती है। हमें 4 लाख रुपए नहीं मिलती है, इसलिए हमें मालूम है। माय लॉर्ड पैराग्राफ नंबर डीजी इज इक्वलेंट टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माय एंड लॉर्ड दी सैलरी ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इक्वलेंट टू द हाई कोर्ट जज। नाउ हाई कोर्ट जज डज नॉट गेट 4 लाख रुपीज, आपको माय मिलते लॉर्ड हैं इफ तो माय लॉर्ड इफ दी एप्लीकेशन इज सीन माय लॉर्ड दी कितना, रिसोर्सेस दी कितनी कितनी फाइनेंशियल मेंटेनेंस रिसोर्स दिलाई है नीचे? 4 लाख इन लम अरे सम आपने 4 लाख माना है, अन्य प्रावधान में कितनी दिलाई गई है इनको मेंटेनेंस? देर इज नो अदर कितना कितना दिलाया है इनको? इनको 4 लाख रुपया लमसम में दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ एनी मंथली अमाउंट. खुद क्या करती हैं ये? शी इज अ हाउस वाइफ मैडम अच्छा, दीज आर दी एडमिटेड फैक्ट. वर्तमान में कोचिंग चलाती हैं, नहीं फाइंडिंग भोपाल ग्वालियर के बैंक में खाते हैं, तथा म्यूचुअल फंड में 23,88,000 रुपये जमा है। ये गलत है क्या ये सारी ये सब जानकारी? गलत है सर ये सब आपके डिनाइड तो है. बैंक अकाउंट लाइए, एफिडेविट दे दीजिए कि कितने इफ जमा है। अरे एक काम करिए ना, यू माय फाइल एन एफिडेविट दैट व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम एंड हाउ मच मनी इज लाइंग इन योर बैंक अकाउंट्स। दैट माय लॉर्ड द फाइंडिंग्स आर देयर माय लॉर्ड इफ आई मे बी परमिटेड टू जी रीड पैराग्राफ नंबर 5 माय लॉर्ड के मामले में यह निर्विवादित है कि उपाय पक्ष परस्पर विवाहित हैं. वर्तमान वाद अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम का आवेदक द्वारा आवेदिका के विरुद्ध विवाह विच्छेद हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसमें अनावेदिका ने उपस्थित होकर वर्तमान आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है. स्वयं आवेदक के अभिवचनों से ही उसका भारतीय पुलिस सेवा में उच्च पद पर आसीन होकर लगभग 2 लाख रुपया प्रतिमाह वेतन प्राप्त होना निर्विवादित अकील है. साहब, उनके उच्च सेवा में आसीन होने से देर विल बी नो प्रिजम्पशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये इनकम सैलरी सर्टिफिकेट जो उसी की तो इनकम देखेंगे। मैलोड इफ मे काइंडली सी दी पैराग्राफ नंबर 2 ऑफ द एप्लीकेशन मैलोड एप्लीकेशन इज अनेक्सर P1 दैट मे काइंडली बी सीन मैलोड ये स्पेसिफिक सोर्सेज एंड रिसोर्सेज दैट हैज बीन डिस्क्लोज मैलोड इन द एप्लीकेशन ये ये कौन जज साहब हैं ये भाई? इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ बाय रजिस्टर्ड एडी पोस्ट एज नॉन एप्लीकेंट हैज एडमिटेड फॉर द लर्नेड, नहीं ऐसा लिखिएगा, दिस मिसलेनियस पिटीशन इज फाइल्ड बीइंग एग्रीव्ड ऑफ ऑर्डर डेटेड 13 मार्च 2024 पास्ड बाय प्रिंसिपल जज फैमिली, सॉरी एडिशनल जज टू द प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट भोपाल इन RCS HM 860/2020, कॉमा ग्रांटिंग लमसम अमाउंट ऑफ ₹4 लाख एज इंटरिम मेंटेनेंस ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन ऑब्लिक लिटिगेशन काउंसिल फी इंस्टेड ऑफ ग्रांटिंग मंथली मेंटेनेंस डिस्पाइट एडमिटिंग अ फैक्ट दैट रिस्पॉन्डेंट हजबेंड इज ड्रॉइंग पेंशन ऑफ ₹1,12,200 प्लस प्लस डियरनेस अलाउंस ऑन इट, कॉमा इम्प्यून्ड ऑर्डर अपियर्स टू बी सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड एंड इज देयर फॉर असेल्ड। नेक्स्ट पैरा, ऑपरेशन ऑफ इम्प्यून्ड ऑर्डर इज स्टेड एज एन इंटरिम मेजर, इट इज डायरेक्टेड दैट रिस्पॉन्डेंट शैल पे अ मंथली सम ऑफ ₹50,000 इन फेवर ऑफ द पिटिशनर टूवर्ड्स द मेंटेनेंस फुल स्टॉप। इफ ही इज पेइंग मेंटेनेंस अंडर एनी अदर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट देन विल बी एंटाइटल्ड टू एडजस्ट दैट अमाउंट ग्रांटेड बाय एनी अदर कोर्ट फ्रॉम दिस सम ऑफ ₹50,000 पर मंथ फुल स्टॉप। बिसाइड्स दिस द रिस्पॉन्डेंट शैल पे अ सम ऑफ ₹1 लाख टूवर्ड्स द
कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड काउंसिल फी एक्सेट्रा फुल स्टॉप। इशू नोटिस कर दीजिएगा, रिटर्नेबल इन दी वीक कमेंसिंग 20 अगस्त 2024।